मैं आपको आज मैं आपको भारत और उसके साथ जो अन्य पड़ोसी देश हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। इससे पहले आपने पिछले अध्याय में आपने संयुक्त राष्ट्र संघ इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में आपने पढ़ा है और आपने ये जाना है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में इस संगठन का संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्र क्या भूमिका है, वो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने का कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने में आपको मालूम है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। उसमें विश्व के लगभग सभी देश इसमें सम्मिलित हैं, जो कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी को देखकर उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब दोबारा हमें इस तरह के युद्ध का सामना न करना पड़े। इसलिए उन्होंने जो संगठन बनाया वो संयुक्त राष्ट्र संगठन है और ये संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है विश्व शांति और सुरक्षा के लिए हमेशा ही कार्य करने में तत्पर रहता है। शांति रक्षा के काम में भारत हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता करता आया है और साथ में ही भारत जो है अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखने रखता है। इस अध्याय में हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है, भाई पड़ोसी हैं, पड़ोसी के साथ खट्टा मीठा हर तरह का व्यवहार होता है, तो उसी तरीके से हमारे पड़ोसी हमारे भारत देश के पड़ोसियों के साथ हमारा किस तरह का संबंध है, इसके बारे में जो है हम आपको आज इस अध्याय में जानकारी देंगे। आप ये बच्चों ये नक्शा देख रहे हो, आप इस नक्शे को बहुत अच्छे से पहचानते हो, ये हमारे देश भारत का नक्शा है। अब भारत के नक्शे में आप देख रहे हो कि कलर जो हमने बाकी के पड़ोसी देशों को हमने कलरफुल कलर किया है ताकि आप लोगों को पहचानने में आसानी हो। जो व्हाइट है वो पूरा भारत है, बाकी जो कलर है वो हमारे पड़ोसी राज्य है। तो आप देख रहे हो कि पड़ोसी राज्य हमारा पश्चिम में हमारा पाकिस्तान है, उसके बाद पूर्व में देखो तो बांग्लादेश है, पश्चिम के ठीक अपोजिट में देखो बांग्लादेश है, फिर उसके बाद उसके बगल में म्यांमार है, फिर उत्तर में आप देखिए नेपाल और चीन और अफगानिस्तान भी टच करता हुआ है, फिर उसके बाद है नीचे श्रीलंका है। तो इस तरीके से सात देश जो है हमारी सीमा रेखा हमारे भारत देश की सीमा रेखा को टच करते हुए हैं और वो हमारे पड़ोसी देश हैं। तो आप देख रहे हो पहला है पाकिस्तान बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, उसके बाद म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। अब इन आप जहाँ आपका घर है उसके अगल बगल आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ आपके किसके साथ अच्छे, किसी के साथ बेकार, किसी के साथ हाय बाय, इस तरह के व्यवहार होते हैं। तो उसी तरीके से भारत इतना बड़ा देश है, ये भी एक घर के समान है ना, हम सभी रहते हैं यहाँ पे, तो ये भी एक घर के ही समान है। तो आपका आस पड़ोस है, अच्छे या बुरे दोनों तरह के संबंध है, इसी तरीके से भारत जो हमारा बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर, उसके भी आड़ पड़ोस पड़ोस में इससे के घर से सटे हुए सीमा रेखा से सटे हुए जो उसके पड़ोसी हैं उनके साथ भी उनके थोड़े कड़वे, किसी के साथ मीठे, हर तरह के व्यवहार हैं। तो इस पाठ में हम इसके भारत के पड़ोसी देशों के साथ इसके व्यवहारों के बारे में हम जो है इसकी चर्चा करेंगे। देखो बेटा भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, उसके बाद हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। तो 26 हमारा जो देश है उसमें हमारे संविधान का नियम कानून चलता है, संविधान में जो बातें लिखी हैं उसके अनुसार ही हमारे देश का शासन चलता है। तो
भारत के संविधान में हमारी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए के बारे में भी बताया गया है। तो आपको जैसा कि मालूम है कि हमारे संविधान को जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में लिखा गया, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने दो वर्ष ग्यारह महीने और अठारह दिन लगे हैं। तो हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है, जिसमें हर चीज किस तरीके से प्रशासन चलाया जाए सारी जानकारी है। तो उसमें हमारे पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसी हमारी नीति होनी चाहिए, उसके बारे में भी बताया गया है। तो हमारी विदेश नीति में हमें ये बताया गया है, हमारे संविधान में लिखा है कि हमारी विदेश नीति में हमें बताया गया है कि पड़ोसियों के साथ आदर, परस्पर प्रेम, सहयोग ऐसी व्यवहार होनी चाहिए। जिस तरीके से आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हो, आपके प्रेम ज्यादातर लोग अच्छे संबंध बना के रखना चाहते हैं, सामने वाले को आदर की भावनाओं से देखते हैं ताकि वो भी हमें आदर दे। इसी तरीके से जब हम अपने पड़ोसी देश के साथ प्रेम व्यवहार रखेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही करेंगे। फिर आदर का भाव, अगर हम आदर देंगे तो हमारे पड़ोसी भी, तो हमारे संविधान में उनके उनके साथ समानता, उनके साथ आदर का भाव और उनके मूल्य और संस्कृतियों का सम्मान करने के बारे में को महत्व दिया है। उन्हीं मूल्यों का अनुसरण करके भारत अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाने का प्रयत्न रखता है। आप जानते हो कि एशिया में भारत बहुत बड़ा देश है और बड़ा देश होने के साथ साथ ही यह आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से भी काफी मजबूत है। तो भारत इस तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने के कारण दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में भारत का प्रभाव अधिक होना स्वाभाविक सी बात है। अब उसके बाद जो है मैं आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला पड़ोसी देश हमारा जो है, सबसे बारे में पहले चर्चा हम पाकिस्तान के बारे में करेंगे। पाकिस्तान आपको मालूम है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उसके एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। इस तरीके से पहले वो भारत का ही भाग था और 14 अगस्त 1947 को अब भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। अब चूंकि एक ही भाग का टुकड़ा होने की वजह से दोनों के आपसी संबंध में उतार चढ़ाव हमेशा रहता है। तो पाकिस्तान और भारत दो स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ। अब आपको मैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दे हैं उनके बारे में बताऊंगी कि क्या क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो व्यवहार हैं, उनके संबंध हैं, वो अच्छे हैं या खराब हैं, उनके बारे में आपको मैं चर्चा करूंगी। अब ज्यादातर न्यूज़पेपर में हमेशा पाकिस्तान के बारे में आप जानते हो कि किस तरीके से पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी आतंकवाद फैलाता है, किस तरीके से भारत से हमेशा प्रतिस्पर्धा में लगा रहता है। तो अब जो है आपको मैं पाकिस्तान के बारे में बताऊंगी। पाकिस्तान हमारे पश्चिम में है, आपको बताया था इससे पहले मैप में देखा दिखलाया था। तो पाकिस्तान के और भारत के बीच मुख्य जो समस्याएं हैं तीन हैं। पहला है दोनों राष्ट्रों के वैश्विक दृष्टिकोण में अंतर, दूसरा है कश्मीर समस्या और तीसरा है परमाणु शस्त्र संबंधी समस्या। तो पहले पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे दोनों राष्ट्रों के वैश्विक दृष्टिकोण में अंतर। तो भारत और पाकिस्तान का विश्व की ओर से देखने का दृष्टिकोण भिन्न है। भारतीय वैश्विक दृष्टिकोण के अनुसार भारत ने स्थित युद्धकालीन सैनिक संगठनों का विरोध किया और भारत पाकिस्तान संघर्ष
पाकिस्तान संघर्ष द्विपक्षीय अर्थात आपस में सुलझाने का प्रयत्न किया। तो बच्चे इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि तो जब देश आजाद हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सुना होगा, पहले पहले ही चैप्टर में प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध इसके बारे में चर्चा है। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो दृष्टिकोण का उदय हुआ, एक हुआ समाजवाद, दूसरा हुआ पूंजीवाद। तो पूरा विश्व दो खेमे में बढ़ गया था, समाजवादी देश और पूंजीवादी देश। समाजवादी देश की अध्यक्षता सोवियत रूस कर रहा था, जबकि पूंजीवादी देश की अध्यक्षता अमेरिका कर रहा था। सोवियत रूस और अमेरिका दोनों ही विश्व के दो महाशक्तियों के रूप में विश्व युद्ध के बाद उभरे। अब दोनों ही देश चाहते थे कि उनका जो है उनका जो पक्ष है वो ज्यादा मजबूत है। तो उन्होंने क्या करना प्रारंभ किया, सारे देशों के साथ जो है समझौता करने शुरू किया। तो इस तरीके से उनके साथ सहयोग समझौता करना शुरू किया क्योंकि पूरा देश जो विश्व जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व देख चुका था, इसलिए बाकी लोग भी ये समझने लगे कि अगर हम इस पक्ष में रहेंगे तो हमें फायदा होगा। तो इस तरीके से सैनिक संगठनों का उदय हुआ। सैनिक संगठन पहला कि उनकी सुरक्षा करेगा, अगर कोई देश दूसरा देश आक्रमण करता है तो उनकी सहयोग करेगा। तो जो देश जिसके पक्ष में रहा उसमें सम्मिलित होता गया। इस तरीके से अमेरिका और सोवियत रूस ये दो दलों के बीच में जो है दोनों दलों में विश्व के सारे देश सम्मिलित होना प्रारंभ हुए। तो इस तरीके से सैनिक संगठनों का उदय हुआ। और ये जो दो दल थे ये अपने को सैनिक अस्त्र शस्त्र से अपने को मजबूत कर रहे थे। तो ऐसे समय में भारत जो है वो भारत इस समय नया आजाद देश था, उसको भारत नया आजाद देश था उसको अगर सोवियत रूस में जाता या अमेरिका में जाता, दोनों में ही जाता तो उसे नुकसान होता। क्योंकि वो नया देश था और आर्थिक दृष्टि से वो मजबूत नहीं था, उसको सहयोग की आवश्यकता थी। तो उसने बीच का रास्ता अपनाया, इस दल में किसी गुटों में शामिल ना होकर गुटों से अलग होकर उन्होंने भारत ने जो है गुट निरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। इस समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने गुट निरपेक्ष नीति का जो है नारा पूरे विश्व को दिया, जो कि अंतरराष्ट्रीय जगत में जिसका बहुत ही प्रशंसा हुआ। तो भारत ने किसी भी गुट में सम्मिलित न होकर गुट निरपेक्ष नीति, दोनों ही गुटों के साथ किसी के साथ गुट न सम्मिलित होकर अलग रहने का निर्णय किया। और पाकिस्तान कैसा था, वो सैनिक संगठनों में शामिल हुआ। तो भारत ने जो है प्रारंभ में भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें क्या किया, 1971-72 में जो संघर्ष हुआ उसमें उसने आपस में जो है मुद्दे को सुलझाने का जो है प्रयत्न किया, जिसको कि शिमला समझौता कहते हैं। इसमें द्विपक्षीय वार्ता कर मतलब किसी और को अध्यक्षता ना लेकर आपस में जो है मिलकर संघर्ष को खत्म करने का प्रयत्न किया। इसके विपरीत जो पाकिस्तान है वह इस्लामिक जगत से और चीन से संबंध मतलब समाजवादी राष्ट्र से संबंध बनाने का प्रयत्न किया। और देखो चीन से संबंध बनाया, समाजवादी राष्ट्र में भी संबंध बनाया और अमेरिका के सैनिक संगठन में उसने प्रवेश कर लिया। जहां भारत गुट निरपेक्ष रहा वहीं पे जो है चीन गुटों में शामिल हुआ, सॉरी चीन नहीं पाकिस्तान जो है गुटों में शामिल होकर कार्य करने लगा। तो गुटों में वो शामिल क्यों हुआ, उसमें देखिए वो गुटों में इसलिए भी शामिल हुआ कि
उसकी सहायता जो है भारत से, उसकी सहायता ये सैनिक संगठन उसका करेंगे। अब दूसरा मुद्दा है भारत भारत कश्मीर समस्या। भारत से संबंध स्थापित करने में पाकिस्तान को कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा लगता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पूर्व ज्ञान देना चाहूंगी, इतिहास बताना चाहूंगी कि जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने, उस समय रियासत राजाओं का शासन था, तो जब अंग्रेज गए तो उन्होंने सारी रियासत को छोड़ दिया, सब आपको आजाद कर दिया। इस तरीके से भारत में आप छोटे छोटे राज्य देख रहे हो ना, इसी तरीके से छोटे छोटे देश की तरह था। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कि लौह पुरुष की भी उपाधि धारण दिया गया है, उन्होंने उन्होंने इन सभी से मिलकर भारत के संघ में सम्मिलित होने के लिए सम्मिलित करवाया, और इस तरीके से भारत जो है संघ राज्य, आपने सुना होगा ना, भारत एक संघ राज्य है, तो मतलब छोटे छोटे राज्यों से मिला हुआ एक बड़ा देश है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अथक परिश्रम की सहायता से उन्होंने भारत में इन सारे राज्यों को सम्मिलित करके भारत जैसे विशाल देश का निर्माण किया। तो जब सारे राज्यों का भारत में सम्मिलित हो गए, पर कश्मीर जो है भारत में सम्मिलित नहीं हुआ, वहां के राजा ने उस समय भारत में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। पर जब पाकिस्तान ने उन पर आक्रमण किया तो कश्मीर के राजा जो है तुरंत वो उस आक्रमण को से निपट नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने भारत से सहयोग मांगा। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कश्मीर के राजा को सहयोग करने का विश्वास दिलाया और अपनी सेना को जो है कश्मीर में पाकिस्तान से लड़ने के लिए भेज दिया। तो इस तरीके से कश्मीर जो है भारत में सबसे अंतिम में विलीन हुआ। तो जब कश्मीर भारत में विलीन हुआ, तो जब आक्रमण किया तो पाकिस्तान जो है वह कश्मीर के कुछ भागों को जो है अपने कब्जे में कर लिया। जब तक भारत की सेना वहां पहुंचती तब तक कश्मीर के कुछ भागों को पाकिस्तान ने कब्जे में कर लिया, जिसको कि पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। अब पाकिस्तान की हमेशा से लालसा रही है कि वो पूरे कश्मीर पर अपना कब्जा जमाए, और भारत हमेशा से ही इसके इस अधिकार को नकारता रहा है, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ सन 1965 में। दोनों के बीच जो है विवाद सुलझाने के लिए सन 1966 में समझौता हुआ, जिसमें कि इस समझौते में मध्यस्थता अमेरिका ने किया। उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे, और उन्होंने जो है ताशकंद में यह समझौता किया। यह समझौता जो है भारत को इससे कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ साध्य प्राप्त नहीं हुआ। और वर्ष 1900, आपको ये भी बताऊंगी कि सन 1966 में ताशकंद समझौता जब हुआ, तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु भी हुई थी। और इस तरीके से यह 1971 में वापस से बांग्ला युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। जब पाकिस्तान जो है जब आजाद हुआ तो वो दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान तो आप देख रहे हो, जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, और पश्चिमी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को कहा जाता है। इस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो है एक ही थे, परंतु वर्ष 1971 में बांग्लादेश के साथ युद्ध होने के साथ साथ ही जो है बांग्लादेश जो है आजाद हुआ। इसकी स्वतंत्रता में हमारे हमारे भारत का बहुत ही सहयोग है।
वर्ष 1972 में शिमला बांग्लादेश का युद्ध शिमला समझौता के बाद जो है खत्म हुआ। वर्ष 1972 में शिमला समझौता के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी लेन देन के लिए एक नया प्रारूप तैयार किया गया। वापस से वर्ष 1999 में पाकिस्तान ने पाकिस्तान की हमेशा से ही दो मुहा व्यवहार करता आया है और अक्षदा ही भारत से हमेशा ही घुसपैठ का कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। किसी न किसी तरीके से भारत से घुसपैठ, आक्रमण, आतंकवादी हमला करवाने की साजिश करता रहता है। इसी तहत उसने वर्ष 1999 में कारगिल क्षेत्र में जो है घुसपैठ का कार्य प्रारंभ किया, जिसकी वजह से वापस से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में जो है भारत विजयी हुआ। पाकिस्तान के घुसपैठियों को उसने निकाल भगाया। आपको बता दूं कारगिल जो क्षेत्र है वह बहुत ही ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे युद्ध करना बहुत ही भारत के लिए बहुत ही दूर कठिनाई वाला कार्य था। फिर भी भारत ने जो है डरता रहा और पाकिस्तान को जो है अपने देश से निकाल भगाया। आज भी दोनों देशों के संघर्षों का कारण कश्मीर है। संघर्ष का स्वरूप तो बदल गया और संघर्ष के इस नए स्वरूप का वर्णन आतंकवाद की समस्या के रूप में दिखाई देता है। आपने आप न्यूज पेपर पढ़ते हो तो आप देख ही रहे हो लगातार कि किस तरीके से धारा पाकिस्तान कश्मीर को जो कि एक धारा लगाई गई थी उसको समाप्त किया गया और कश्मीर किस तरीके से हमेशा ही आतंकवाद का अड्डा बन जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा से ही वहां पे घुसपैठ और आतंकवाद के कार्य में लिप्त रहता है और इसकी मंशा क्या है, कश्मीर को अपने देश में विलीन करना। फिर तीसरा है हमारा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान में के बीच जो है परमाणु संबंधी संघर्ष। परमाणु अस्त्र आप लोगों ने सुना होगा, परमाणु अस्त्र द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सुना है आप लोगों ने कि द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे जब अमेरिका ने परमाणु अस्त्र गिराया उसके बाद जो है विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो पूरे विश्व ने जान लिया कि परमाणु अस्त्र इस मानव जाति के लिए कितना खतरनाक है। एक परमाणु अस्त्र जो है पूरे विश्व को खतरे में डाल सकता है और परमाणु अस्त्र जितना बड़ा खतरा है उतना ही अपने लिए जो है सुरक्षा का एक हथियार के रूप में भी देखा गया है। तो सारे विश्व के देश चाहते हैं कि वो परमाणु अस्त्र जो है उनके पास हो। तो भारत और पाकिस्तान में भी परमाणु शस्त्र संबंधी संघर्ष जो है लगातार बना है। भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण किए जिसके कारण इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए नई चिंता उत्पन्न हुई। इन दोनों देशों में परमाणु संघर्ष न हो ऐसा अनेक राष्ट्रों को लगता है कि भाई परमाणु अस्त्रों ये दो देश आपसी झगड़े में कहीं परमाणु अस्त्रों का उपयोग न करें। तो भारत और पाकिस्तान संबंधों में एक और समस्या अर्थात सर्किक क्षेत्र में सीमा संबंधी विवाद को लेकर है। तो परमाणु अस्त्रों के बारे में आपको मैं बोलना चाहूंगी कि यह पूरे विश्व के लिए जो है अहितकारी है, पूरे विश्व को इससे नुकसान होता है। तो परमाणु अस्त्रों पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है हमेशा से ही कार्य करता आया है और भारत ने हमेशा से सहयोग किया है। दोनों देशों ने आपसी वार्तालाप के प्रयत्न किए परंतु पाकिस्तान जिस प्रकार से भारत के विरुद्ध आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, आतंकवादी गतिविधियों को करवा रहा है, इसे देखते हुए सारे जो हमारे वार्तालाप है
ये सब जो है विफल हो जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान ये समझने को तैयार नहीं है कि कश्मीर उसके देश का हिस्सा नहीं है, भारत वो भारत का अधीन है, तो ना वो आतंकवाद को खत्म कर रहा है ना ही वो समझने को तैयार है। ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत ही बहुत बार उठाया गया है, जिसमें बार बार पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी खानी पड़ी है। इसके बाद है हमारा जो पड़ोसी देश है चीन। चीन आप मैप में देख रहे हो, हमारे उत्तर में चीन है। चीन बहुत बड़ा देश है और भारत के साथ इसके व्यवहार अच्छे और बुरे दोनों ही तरीके से रहते हैं। तो भारत और चीन का संघर्ष दो समस्याओं से संबंधित है। भारत और चीन के बीच दो प्रमुख समस्याएं हैं। पहला है सीमा विवाद और दूसरा है तिब्बत का दर्जा। तो पहला जो है आपको मैं बताऊंगी, भारत और चीन में जो सीमा विवाद है वह अक्साई चीन और मैकमोहन रेखा के क्षेत्र से संबंधित है। अक्साई चीन मतलब जो चीन के अधीन जो चीन ने जो भारत और चीन के बीच एक तो बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसपे कि न भारत का अधिकार न चीन का अधिकार है, और उस क्षेत्र को भारत ने चीन ने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया कि उसपे जो है सीमा रेखा जो है निर्धारित किया जाए, तो वो उसको कहते हैं ऑक्साइड चीन। अभी आपने हाल ही में न्यूज में भी देखा होगा कि वो सीमा विवाद के लिए किस तरीके से भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। कई बार ऐसे समाचार, अगर आप लोग हमेशा समाचार बच्चे देखो, समाचार में आप बार बार देखोगे कि उस समय जब न्यूज आ रहा था तो उसमें पाकिस्तान जो चीन है वो अपने सैनिकों उससे के साथ मिलकर किस तरीके से चीन पे भारत पे के कब्जे में भारत ऑक्साइड चीन में घुसने का प्रयत्न कर रहा था और भारत जो है उसका विरोध किया। और दूसरा है मैकमोहन रेखा क्षेत्र। ये देखो ऑक्साइड चीन का जो सीमा विवाद है इसमें चीन ने कभी गंभीरता से लेकर नहीं किया है कि भाई तुम्हारा कौन सा, तुम कहाँ, तुम्हारा देश कहाँ तक है, मेरा देश कहाँ तक है, तो ये आज भी ये एक मुद्दा बना हुआ है। दूसरा है मैकमोहन रेखा क्षेत्र। ये मैकमोहन जो रेखा क्षेत्र है वो अंतरराष्ट्रीय रेखा क्षेत्र है जो भारत और भारत और चीन के बीच सीमा रेखा खींची गई है। चीन का दावा है कि ऑक्साइड चीन और मैकमोहन रेखा के दक्षिण की ओर, आप देखो चित्र में, आप चित्र में देखो दक्षिण की ओर मैकमोहन रेखा, दक्षिण की ओर का जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश वह चीन का भूभाग है। आपको मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का अंग है, पर उसमें हमेशा से चीन ने अपना दावा प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कई बार उसने नक्शे में ही वो अपने देश में सम्मिलित करके दिखाया, जिसका विरोध भारत ने हमेशा से किया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग के रूप में स्थित है। यह चीन मान्य नहीं करता है कि मैकमोहन जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को जो है चीन मान्य नहीं करता है। यह सीमा विवाद बातचीत से हल हो जाए इसके लिए भारत ने बहुत बार प्रयत्न किया, परंतु इसमें उसको सफलता नहीं मिली है। वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद आपको दूसरा, आपको है दूसरा क्या है, तिब्बत का दर्जा। पारंपरिक दृष्टि से तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र था, परंतु चीन द्वारा उस प्रदेश पर लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते रहने से तिब्बत के दलाई लामा ने भारत में राजाश्रय लिया। यही मुद्दा दोनों देशों के बीच विवाद के लिए कारण बना। दलाई लामा जो है बौद्ध गुरु होते हैं, धर्म गुरु होते हैं। तो तिब्बत जो है उसकी वहां की रीति रिवाज, परंपराएं, रंग वेशभूषा सब बिल्कुल अलग है। तो
चीन का, चीन उस पे जो है हमेशा दावा करता है कि यह मेरा है, और उसने इस दावे के तहत उसने क्या किया, चीन पर जो है तिब्बत पर इसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न किया जो, तो इससे वहां के दलाई लामा ने भारत की सहायता मांगी और भारत ने उसको सहायता देने के लिए तैयार हो गए। तो यह भारत तैयार हो गया, तो यह मुद्दा जो है चीन को अच्छा नहीं लगा और दोनों के बीच जो है एक विवाद का कारण बन गया। अब आपको मैं आगे बताती हूँ चीन और पाकिस्तान के बीच मित्रता। आपको मालूम है दुश्मन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसी तरीके से भारत भारत का पाकिस्तान के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छे संबंध नहीं है और चीन के साथ भी अच्छे संबंध नहीं है। तो चीन दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इसी तरीके से चीन और पाकिस्तान के बीच बहुत अच्छी मित्रता है। चीन द्वारा पाकिस्तान की ओर पाकिस्तान को की जाने वाली शस्त्रों की सहायता, आपूर्ति, प्रक्षेपास्त्र तथा परमाणु हथियारों, तकनीकी ज्ञान के कारण भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल मजबूत नहीं है, वहां पर कभी भी आप भारत में देखते हो कि प्रधानमंत्री हमारे संविधान के अनुसार बनता है, जो संविधान में जनता जिसको चुनती है वही प्रधानमंत्री बनता है, पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बीच बीच में सैनिक शासन चालू होते हैं, वहां पे लोकतंत्र कभी भी व्यवस्थित रूप से स्थापित नहीं हो पाया है और आर्थिक वो पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद और इसका सहयोग करता है, तो जिसके कारण पाकिस्तान कभी भी आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत नहीं हो पाया है। तो उसकी सहायता चीन करता है, चीन क्यों सहायता करता है, क्योंकि चीन भी भारत से, चीन के अच्छे संबंध नहीं है, वो भी भारत की सीमा रेखा से सटा हुआ है, वो भी भारत से कब्जा जमाने की कोशिश करता है, तो सोचता है कि पाकिस्तान की मदद करो ताकि पाकिस्तान मेरे सपोर्ट में रहेगा और हम लोग मिलकर भारत को परेशान करें। तो इसके लिए वो क्या क्या करता है, पाकिस्तान को शस्त्रों की सहायता देता है, प्रक्षेपास्त्र दे रहा है, परमाणु हथियार दे रहा है और तकनीकी ज्ञान दे रहा है, जिसकी वजह से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा जो है एक खतरे के रूप में जो है उभर रहा है और यह एक चिंता का विषय है। पाकिस्तान तथा चीन की मित्रता तथा भारत के अन्य पड़ोसी राष्ट्रों के बीच चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय है। ऐसा होते हुए भी भारत ने चीन के साथ संबंध सुधारने का हमेशा प्रयास किया है। जो चीन जो है हमेशा, चीन और पाकिस्तान भारत को हमेशा ही खंजर भोंकने का कार्य किए हैं, पर भारत हमेशा अपनी विदेश नीति का अनुसरण करते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए हमेशा उनके साथ संबंधों को सुधारने का प्रयत्न करता है। इन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को चर्चा के माध्यम से सुलझाने के लिए संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना की गई। पाकिस्तान और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जो है पाकिस्तान और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जो है हमेशा से ही भारत जो है आपस में चर्चा करने के सुलझाने का प्रयत्न करता है, पर ये जो है अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अब आगे देखिए, चीन और भारत दोनों के आर्थिक विकास की गति बढ़ने के बाद दोनों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होना प्रारंभ हुआ है। जिस तरीके से चीन आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, उसी तरीके से भारत भी आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत है, तो दोनों ही आपस में व्यापारिक संबंध आपस में मजबूत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोनों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में सुधार होने से रूस, चीन, भारत के बीच बार बार चर्चा होने से धीरे धीरे भारत और चीन के संबंधों में सुधार आया है। आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री भी हम
हमारे प्रधानमंत्री भी चीन गए थे आपसी संबंधों को सुधारने के लिए। यद्यपि उनका सीमा विवाद हल नहीं हुआ, तथापि दोनों के बीच जो है पतिता जो है आपस का व्यवहार जो है उसमें जो है संबंध जो है धीरे धीरे सुधार रहा है। इसके बाद है अफगानिस्तान। यह भी भारत का पड़ोसी देश है, जो कि भारत पश्चिम के पाकिस्तान के ऊपर देखो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भारत से इसकी सीमा भारत से सटी हुई है। अब जो है अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बड़ी मात्रा में है। वहां पे तालिबान नामक आतंकवादी संगठन का वर्चस्व होना इसके लिए मुख्य कारण है। अफगानिस्तान में शांति सुरक्षा और स्थिरता लाना, वहां चल रही हिंसा को रोकथाम करना, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने में सहायता करने के लिए भारत ने अफगानिस्तान की सहायता की है। इस तरीके से अफगानिस्तान इस तरह से युद्ध व्यवस्था के कारण नष्ट हो रही परिवहन सुविधा का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करना, विद्यालयों को शायद सुविधा, सिंचाई परियोजना का निर्माण करना जैसी सभी क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तान की अफगानिस्तान की सहायता कर रहा है। तो अफगानिस्तान की स्थिति बेटा ऐसा है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद है, वहां पे लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वहां पे शांति और सुरक्षा नहीं है, वहां पे कोई स्थिर सरकार नहीं है। तो ऐसे में अपने पड़ोसी देश का सहयोग करने में भारत हमेशा से ही तत्पर रहा है और भारत ऐसा कर भी रहा है। तकनीकी विज्ञान हर चीजों में उसकी सहायता करता आ रहा है। इसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसको कि पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। वर्ष 1971 में पाकिस्तान की स्थापना हुई, सॉरी बांग्लादेश की स्थापना हुई। वर्तमान बांग्लादेश अर्थात पहले का पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब उसको बांग्लादेश कहा जाता है, पाकिस्तान से वो अलग हो गया। पाकिस्तान के निर्माण के समय जो है पाकिस्तान का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में भाषाई मतलब भाषा के प्रति जो है वो भिन्नता थी। वहां पाकिस्तान का कल्चर अलग था और पूर्वी पश्चिमी का पाकिस्तान का कल्चर अलग था, पूर्वी पाकिस्तान का कल्चर अलग था। तो इस तरीके से वहां पे आंदोलन हुआ, आंदोलन के फलस्वरूप जो है पुनः बांग्लादेश पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान जो है अपने को आजाद करने के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन की मुक्ति संग्राम में भारत ने बांग्लादेश की सहायता की। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बांग्लादेश की आजादी में बांग्लादेश के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरीके से बांग्लादेश की निर्माण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है और इस योगदान की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच हमेशा से ही अच्छे संबंध बने आ रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच एक मुद्दा है जो कि पानी का है और एक सीमा रेखा से संबंधित कुछ समझौते हुए हैं। फलतः उनके बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होकर उनमें व्यापारिक संबंध बढ़ना प्रारंभ हो चुका है। तो इस तरीके से बांग्लादेश और भारत के बीच हमेशा से ही अच्छे संबंध हैं। तो अब मैं आप लोगों से जो मैंने पढ़ाया मेरा है बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित आपको अगर कुछ प्रश्न करने हैं तो आप जो है आप मुझसे पूछ सकते हो। आप जो है मुझसे प्रश्न करो, कुछ नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आया तो।
हेलो बच्चों, आपको कुछ प्रश्न करना है? हेलो गुड मॉर्निंग टीचर। देखिए, मैकमोहन, मैकमोहन और धारणा स्पष्ट कीजिए। ओके। मैकमोहन जो है वो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा है जो कि भारत और चीन के बीच है, और यह जो है भारत के एक मिनट की आपने यह एक अंतरराष्ट्रीय रेखा है। इसको देखा अंतरराष्ट्रीय रेखा है जिसको कि जिसको कि अंतरराष्ट्रीय जगत में इसको जो है भारत और चीन के बीच सीमा के रूप में निर्धारित किया है। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं मैम, थैंक यू टीचर। ओके और कोई डाउट है? गुड मॉर्निंग टीचर। टीचर आपका माइक बंद है। बोलिए बेटा, सुनाई दे रहा। गुड मॉर्निंग टीचर। टीचर, चीन और भारत के बीच कैसा संबंध है? चीन और भारत के बीच अच्छे और बुरे दोनों ही संबंध है। सीमा को लेकर विवाद है, जबकि व्यापार से भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध है। भारत और चीन एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। देखिए बेटा, किसी भी देश के साथ सीमा विवाद अलग मुद्दा है, पर आर्थिक विकास हर देश को चाहिए। तो हर देश के साथ हमारे आर्थिक जो मुद्दे होते हैं वो हमेशा अच्छे रहते हैं। तो चीन के साथ भी हमारे आर्थिक मुद्दे अच्छे हैं, तो इस तरीके से अच्छा आप कह सकते हो कि आर्थिक मुद्दे के रूप में भारत के साथ उसके अच्छे संबंध है, जबकि सीमा विवाद को लेकर उसके अच्छे संबंध नहीं है। और कोई डाउट? कोई डाउट है पूछिए। ठीक है, आप लोग ये फिर से एक बार रिपीट करिए, इसको पढ़िए। अगर मेरा जो नेक्स्ट रहेगा क्लास, आप इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हो, और क्लियर मैं करूंगी। बच्चों, आप इस पाठ में हमने भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ किस तरीके से हमारे संबंध है उसके बारे में हमने चर्चा की है, कि भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, इन देशों के साथ किस तरीके से सीमा विवाद हुए, किस तरीके से उनको खत्म करने का प्रयत्न किया, और किस तरीके से अब उनके संबंध है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। आपको इसका निष्कर्ष तो मैं जब पूरा पाठ पढ़ाऊंगी तभी दे सकती हूँ। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद बच्चों।